वेलकम गाइस, जेक लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रे नर्सिंग एग्जाम फार्मेसी एग्जाम, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा पार्ट थर्ड है, पार्ट फर्स्ट और सेकेंड नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा, वाहनों के जो रियर क्यों होते हैं उनमें दर्पणों को बनाना चाहिए। सिंपल बात है, छोटा आभासी और सीधा बनाना चाहिए, ठीक है, प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन हमारा, यानी कि शीर्ण ध्वनि किसके कारण होती है। शीर्ण ध्वनि किसके ऊपर डिपेंड होती है, ये आपको पता होना चाहिए। आवर्ती, कम आवर्ति, छोटा आयाम या फिर बड़ा आयाम, बता दो। सिंपल, छोटा आयाम, ठीक है, तभी तो शीर्ण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हम जल्दी से कर लेते हैं, हमारे प्री एग्जाम बहुत जल्द आने वाले। चाल की इकाई क्या होती है। सिंपल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी को किस समय मेजर किया जाता है, मीटर में, समय को सेकंड में, तो मीटर सेकंड हो जाएगा। तो ये रहा हमारा राइट ऑप्शन, फोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार ओदर जो यूनिट है उसको भी इसी प्रकार सोल्व करना है, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो दूरी को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और समय को सेकंड में। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। चलते आगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड में फिनोल प्लेथिन का जो दर्शाया हुआ रंग है सिंपल गुलाबी। कितने सिंपल क्वेश्चन है। पृथ्वी पर लगभग समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है। कितने आज के, आजकल सबसे इजी पेपर, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन इतने इजी है। सूर्य, ठीक है, बच्चों वाले क्वेश्चन, बट आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। आमाशय की कार्य प्रणाली द्वारा खोजी गई थी, किसके द्वारा खोजी गई थी, बता दो। द फंक्शनिंग ऑफ द स्टमक वाज डिस्कवर्ड बाय, सिंपल, वॉमिन के द्वारा, ठीक है, साइंटिस्ट। चलते आगे, अगला क्वेश्चन हमारा, ध्वनि की प्रबलता निम्न के अनुपातित होती है, बताइए। कंपन के आयाम, कंपन के आयाम या फिर कंपन के आयाम वर्गमूल या फिर कंपन के आयाम का वर्ग। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कंपन के आयाम का वर्ग होती है, ठीक है। फोर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा जी। चलते आगे, एक वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है। एक वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए कौन सा उपकरण, टूल्स इस्तेमाल होता है। द डिवाइस यूज मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल, बताइए। सिंपल क्वेश्चन है, ओडोमीटर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन। चलते आगे, याद रखना है ये, ठीक है ना, याद रखना है। यहाँ तक कि ये किस काम आता है, ये किस काम आता है, ये किस काम आता है, इनको भी याद रखना है। आप इसको याद रख के खुश हो जाओ, इनको भी देखना है, एनर्जी मीटर, स्पीडोमीटर, वोल्टमीटर, ठीक है, ताकि क्वेश्चन यहाँ से भी आए ना, ताकि आपको पता लग जाए कि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा, कौन सा उपकरण किस काम में आता है इसके ऊपर, अगर आप कमेंट करोगे तो, ठीक है। चलते आगे, क्वेश्चन आता है वहाँ से, जब एक निकाय को दूसरे निकाय पर ले जाया जाता है तो घर्षण बल निम्न पर विकसित होता है, बताइए। सिंपल क्वेश्चन है, दो निकायों के संपर्क की सतह पर, ठीक है, दो निकायों के संपर्क की सतह पर, 49 सही है, दो निकाय के संपर्क सतह पर। चलते आगे, 50 क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा इसको, यदि एन की संयोजकता 3H की 1 है, जब वे एक दूसरे के साथ संयोजित होते हैं तो निर्मित यौगिक का रासायनिक सूत्र क्या होगा, बताइए। एन की संयोजकता 3 और H की 1 है, एक साथ संयोजित होंगे तो क्या होगा, एन की कितनी है 3, H की कितनी है 1, तो इसका तो इसके, इसका इसके चला जाएगा, तो NH3 हो जाएगा। सिंपल, तो हमारा राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। यदि दूरी समय ग्राफ एक वक्र है तो वस्तु, बताइए। सिंपल, चरसाज ये होगा, चर से चल रही है, यानी कि मूविंग विथ वेरिएबल स्पीड, ठीक है ना, फिजिक्स का क्वेश्चन है। अगला है हमारा, पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान में धीरे धीरे वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, नहीं है, ठीक है, नहीं है, ये सब दिया हुआ है यहाँ पे, तो वो क्या नहीं है, ये तो है, मौसम पैटर्न, समुद्री जलस्तर, ध्रुवीय, तो ये वाला नहीं, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा,
ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अम्लीय वर्षा, ठीक है, बाकी के सब है ये नहीं है, ठीक है। चलते आगे, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है जीवाणु और कवक मृत पौधे एवं पशु के ऊतक पर भोजन करते हैं, उन्हें काले रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते, कहलाता वो क्या कहलाता है बता दो, सिंपल ह्यूमस, ठीक है, उपजाऊ होता है ये। अगला क्वेश्चन हमारा घरों, अस्पतालों, उद्योगों और निर्माण स्थलों में निकला अपशिष्ट क्या कहलाता है, वेस्ट वाटर रिलीज फ्रॉम होम, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन साइट, बताइए, सिंपल स्वेग, वाइट मल, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। चलते आगे, विद्युत लेपन निम्न के लिए एक उदाहरण है बताइए, बचपन में पढ़ा होगा आपने, विद्युत लेपन जो इलेक्ट्रोप्लेस्टिक होती है किसका एक उदाहरण है, विद्युत प्रवाह का रासायनिक प्रभाव का, याद रखना है आपको, ठीक है, विद्युत प्रवाह का रासायनिक प्रवाह, ठीक है जी। चलते आगे, अगला क्वेश्चन हमारा वाहनों द्वारा उत्सर्जित वायु प्रदूषकों में शामिल है बता दो, सिंपल कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये वाला, ठीक है जी। चलते आगे, ये क्वेश्चन हमारा एक रासायनिक परिवर्तक सही उदाहरण का चयन करो भैया, सिंपल कागज और लकड़ी का जलना, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको गलती करके आ जाओ, बहुत सारे एक्साइटेड होके गलत करके आते हैं, समझते नहीं है क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा सही मिलान की जोड़ी का चयन करो, देख लो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, दुमट जो कि गेहूँ, दुमट मिट्टी जो कि चना, मशहूर, ये सारी चिकनी मिट्टी कौन सी किसके लिए उपयुक्त है। सो यहाँ पर जिसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा हाँ ये इसके लिए ये सही लग रहा है, किसान भाई उपयुक्त हो जाएगा ये, ठीक है, बाकी सब रॉन्ग है, पहला वाला हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते आगे, गलत संयोजकता अंकित करने वाले आयन का चयन करो, आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं उनका आपको, जो यहाँ पर गलत संयोजकता अंकित कर रहा है ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके प्री एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ एप, ये वाला, ठीक है। चलते आगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अलैंगिक जनन संरचनाएं जो उच्च तापमान और निम्न आर्द्रता जैसे प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए उत्पादित की जाती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर प्रोड्यूस विद विट्रोवल अनफेवरेबल कंडीशन लाइक हैंग टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी, बताइए, अलैंगिक जनन संरचनाएं जो उच्च तापमान और निम्न आर्द्रता जैसे प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए उत्पादित की जाती है, सिंपल स्पोर्स, ठीक है, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा जी, ठीक है। चलते आगे, एक वस्तु की आगे पीछे की गति क्या कहलाती है, आगे पीछे गति करे तो क्या कहलाएगी बताइए, आपको वन ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वाइब्रेटरी मोशन यानी कि स्पंदनशील गति, ठीक है। चलते आगे, रेस्पिरेटरी का आ गया, अब थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन सिस्टम से आएंगे, अंतःश्वसन के दौरान फेफड़े में हवा भरी जाती है क्योंकि, अंतःश्वसन के दौरान फेफड़े हवा में भर जाते क्यों भर जाते फेफड़े हवा से बताइए, अंतःश्वसन के दौरान ऐसा क्या होता है कि हमारे फेफड़े जब हम सांस लेते हो भर जाते, पसलियाँ और डायफ्राम के दिमाग लगाना इसमें डायफ्राम का रोल आएगा, देखना है ना, पसलियों में अधोमुखी और अवगति होती है, या फिर ये चार ऑप्शन है, अभी मैं पढ़ूंगा तो टाइम लग जाएगा, आप इजली इसको पढ़ के आंसर दे दीजिए अपने माइंड में। आई होप आपने सोच लिया होगा, ठीक है, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पसलियों में
उध्रमुखी यानी कि आउटवर्ड, और बाह्य गति डायफ्राम में अधोमुखी गति होती है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, साइंस के स्टूडेंट हो आ गया होगा आप सभी को। हमें तारों को केवल रात में देख पाते क्योंकि तारे केवल रात में चमकते हैं। तारे बहुत छोटे आकार के होते हैं, या फिर तारे बहुत अधिक दूर है, या फिर तारों के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश एक समय में लंबा ज़्यादा है। इसको आप पढ़ के इजीली आंसर दे सकते हो। सो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि तारे हमसे बहुत दूर है, इसलिए तारों से आने वाली रोशनी बहुत कम होती है। ठीक है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह नहीं देखा जा सकता। सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर भी सिंपल है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट थर्ड था। अगर आपने पार्ट सेकंड फर्स्ट नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, उनको भी देख लीजिए। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, आपके हर कमेंट का जो आपको वीडियो के थ्रू मिलेगा।